स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो एम्फीबिया में लिम्ब रीजनरेशन, उभयचरों में किस प्रकार पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा लिम्ब रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर रीजनरेशन का सेकंड पार्ट है। कल हम लोगों ने रीजनरेशन के फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। रीजनरेशन का जो ये टॉपिक है ये बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एम्फीबिया में लिम्ब रीजनरेशन की प्रोसेस के बारे में। कुछ चीजें डिस्कस करूं मैं आपके सामने। एम्फीबिया में जो एन्यूरा एम्फीबियंस हैं, जिसमें फ्रॉग आता है, तो एन्यूरा जो एम्फीबियंस हैं इनमें लार्वल स्टेज में तो रीजनरेशन की प्रोसेस प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट स्टेज में, वयस्क अवस्था में रीजनरेशन की प्रोसेस दिखाई नहीं देती। लेकिन जो यूरोडेल्स हैं, जैसे सैलामेंडर, यूरोडेल्स में हम देखते हैं कि एडल्ट स्टेज में भी रीजनरेशन की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। तो आज एम्फीबिया में जो लिम्ब रीजनरेशन के बारे में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमने यूरोडेल्स यानी जो सैलामेंडर हैं उसमें लिम्ब रीजनरेशन की प्रोसेस कैसे होती है उसको डिस्कस किया है। तो सैलामेंडर जो एक यूरोडेल एम्फीबियन है उसमें किस प्रकार लिम्ब रीजनरेशन की प्रोसेस होती है आज हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, एक चीज क्लियर हुई। दूसरी बात कि जब सैलामेंडर में ये लिम्ब रीजनरेशन की प्रोसेस होगी तो केवल जो पार्ट डैमेज हुआ है
या जो पार्ट मिसिंग है केवल उस मिसिंग पार्ट को ही रीजनरेट किया जाएगा, किसी दूसरे पार्ट को या किसी एडिशनल पार्ट को रीजनरेट नहीं किया जाएगा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर सैलामेंडर की लिंब के हम रिस्ट वाले भाग से उसे काटे, कलाई वाले भाग से अगर उसे काटा जाता है तो आफ्टर रीजनरेशन केवल रिस्ट का ही निर्माण होगा, एल्बो का निर्माण नहीं होगा। तो जब भी सैलामेंडर में लिंब रीजनरेशन की प्रोसेस होगी तो उस समय केवल और केवल जो पार्ट डैमेज हुआ है या जो पार्ट मिसिंग है केवल वही पार्ट रीजनरेशन की प्रोसेस के द्वारा रीफॉर्म होगा या पुनर्निर्मित होगा। ये जानकारी हमने डिस्कस की। ओके, अगली बात। तो जब ये लिंब रीजनरेशन की प्रोसेस होगी तो उस समय हमें ये थ्री टाइप्स के इवेंट्स दिखाई देते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि जब लिंब रीजनरेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय जो भी चेंजेस, जो भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स क्या क्या है अभी डिस्कस करेंगे, हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स क्या है ये डिस्कस करेंगे, और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स क्या है। तो ये हम इन थ्री कैटेगरीज में ये डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जो लिंब रीजनरेशन की प्रोसेस है ये या तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से सैलामेंडर में अगर लिंब का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो रीजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, या एक्सपेरिमेंटली लिंब रीजनरेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं वो लिंब के किसी पार्ट को काटकर अलग कर दें। तो एम्पुटेशन की प्रोसेस की जाए, यानी एक्सपेरिमेंटली भी ये हो सकता है, या एक्सीडेंटली कोई पार्ट डैमेज हो जाए तब भी ये लिंब रीजनरेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो पहले हम फोकस करेंगे लिंब रीजनरेशन के टाइम पर जो मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो क्या क्या है। तो थ्री पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट है वाउंड हीलिंग, हिंदी में मैं कहूं घाव का भरना, अभी डिस्कस करेंगे। नंबर टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा, इसे हम रीजनरेशन बड पुनरुद्भवन कलिका इस नाम से भी जानते हैं। तो जब ब्लास्टेमा बन रही है तो
तो कल का लेक्चर थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिए। कल हमने डिस्कस किया था अगर रीजनरेशन के समय ब्लास्टेमा का निर्माण होता है और उस ब्लास्टेमा की हेल्प से अगर रीजनरेशन होता है तो ऐसे रीजनरेशन को एपिमॉर्फोसिस टाइप रीजनरेशन कहते हैं। तो यहां इस समय हमने कहा ब्लास्टेमा बनती है, इट मींस यूरोडेल्स में जो लिंब रीजनरेशन हो रहा है, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ एपिमॉर्फोजेनेसिस टाइप लिंब रीजनरेशन। क्लियर? और लास्ट में क्या होगा, रीडिफरेंसिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। इन थ्री पार्ट्स में अब इसकी हम स्टडी करते हैं। पहली बात करते हैं वाउंड हीलिंग की। जब भी लिंब का कोई हिस्सा डैमेज होगा तो वहां की ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियां भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, तो वहां से ब्लीडिंग होगी, एक घाव बन जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग हो जाए और उसके बाद उस घाव को हील कर दिया जाए, भर दिया जाए। यूरोडॉल्स में यानी सेलामेंडर में ये वाउंड हीलिंग की जो प्रोसेस है इसमें 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक का समय लगता है। यानी वाउंड हीलिंग की प्रोसेस हो जाती है 6 to 12 आवर्स में। क्या होगा इस समय, एपिडर्मल सेल्स है वहां की, डर्मल सेल्स है वहां की जो डेड सेल्स हैं यानी मृत कोशिकाएं, ये वहां पर आकर इकट्ठी हो जाएगी और उस वाउंड को 6 से 12 घंटों के समय में भर लेगी। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा, ब्लास्टेमा पुनरुद्भवन कली का बननी चाहिए। क्या होगा इस समय कि ब्लास्टेमा क्या है, ब्लास्टेमा जहां घाव बना है वहीं पर उस घाव के नीचे की ओर कुछ सेल्स इकट्ठी हुई और ये जो कोशिकाएं यहां इकट्ठी हुई ये सब डी डिफरेंशिएट हो गई है, यानी ये कोशिकाएं अविभेदित हो चुकी हैं, यानी जो बोन्स हैं वो बोन्स नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर चुकी है। जो मसल्स हैं वो मसल्स नहीं है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर चुकी हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो थे वहां पर वो भी अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर चुके हैं। तो वहां जो फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, मस्क्यूलर सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू ये सब थे, ये सब उस वाउंड के नीचे इकट्ठे हुए और अब ये जितनी भी सेल्स थी नाउ दे ऑल आर डी डिफरेंशिएटेड, यानी ये सब अविभेदित हो चुकी हैं और नाउ ये कोशिकाएं मेसेनकाइम सेल्स हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई विभेदन नहीं है। अब ये सेल्स मल्टीप्लीकेशन करेगी, गुणन करेगी, प्रोलिफिरेशन होगा, अपनी संख्या बढ़ाएगी। तो जब इन मेसेनकाइमल सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो यहां पर एक आउटग्रोथ शंकु के जैसी कॉन लाइक एक स्ट्रक्चर बनेगी
जिसे ब्लास्टेमा या हिंदी में जिसे पुनरुद्भवन कलिका कहा जाएगा। तो ये सेकंड मॉर्फोलॉजिकल इवेंट था, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा। और यहां एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुई अविभेदन की, डी डिफरेंशिएशन की, जिसमें बोन, कार्टिलेज, मसल और जो कनेक्टिव टिश्यू थे ये अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस्ट कर देती हैं, अविभेदित हो जाती हैं और मीजेनकाइमल सेल्स में चेंज हो जाती है और फिर ये मल्टीप्लाई होती हैं और इस प्रकार एक ब्लास्टेमा का निर्माण हो जाता है। अब मल्टीप्लीकेशन चलता रहेगा और फिर जब ये ब्लास्टेमा एप्रोप्रिएट साइज, जितनी साइज इसकी होनी चाहिए उतनी साइज में ये ग्रोथ कर लेती हैं, तो फिर रीडिफरेंशिएशन, पुनर्विभेदन की क्रिया होती है। यानी जो सेल्स डी डिफरेंशिएट हुई थी वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, यानी बोन्स बन गई, कार्टिलेज बन गई, कनेक्टिव टिश्यू बन गए, मसल्स बन गई। इस प्रोसेस को कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। और लास्ट में मॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस आती है और कंप्लीट लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाता है। तो पहले हमने डिस्कस किए मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स की, वहां पर औतिकीय घटनाएं क्या होती हैं, टिश्यू में टिश्यू लेवल पर क्या चेंजेस होते हैं। तो दो टाइप के इवेंट्स हैं, हमने यहां भी डिस्कस किया है। पहले अविभेदन होना चाहिए, डी डिफरेंशिएशन, और बाद में रीडिफरेंशिएशन, पुनर्विभेदन होना चाहिए। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जहां पर रीजनरेशन हो रहा है, यानी जो रीजनरेशन की साइट है वहां पर जो भी सेल्स प्रेजेंट है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट होगी, कनेक्टिव टिश्यूज और भी हो सकते हैं, मसल्स होगी, बोन्स होगी, कार्टिलेज होगी, तो ये जितनी भी सेल्स वहां है वो सभी सेल्स अपनी स्पेशियल प्रॉपर्टीज को लॉस्ट कर लेगी और उनका डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ये अविभेदित हुई और चेंज होकर मीजेनकाइम टिश्यू में या सेल्स में कन्वर्ट हो गई। इस समय ये जो सेल्स हैं, यानी अविभेदन के बाद, डी डिफरेंशिएशन के बाद, ये जो भी सेल्स हैं ये भ्रूणीय कोशिकाएं, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनके समान होती हैं। अब ये मल्टीप्लाई करेगी और अपना नंबर इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट जो हिस्टोलॉजिकल इवेंट है, इट इज कॉल्ड री डिफरेंशिएशन। यानी जो कोशिकाएं पहले अविभेदित हुई, डी डिफरेंशिएट हुई, नाउ वो वापस विभेदित हो जाए, दोबारा उनमें विभेदन हो जाए, इसे हम पुनर्विभेदन, री डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये क्रिया दो तरीकों से हो सकती है। एक को तो नाम दिया गया है मेटाप्लासिया, मेटाप्लाजिया हो गई एक। दूसरी को नाम दिया मॉड्यूलेशन, समझते हैं क्या है। और ये भी डिस्कस करते हैं कि सेलामेंडर में कौन सा वाला होगा, मेटाप्लासिया होगी या मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होगी। क्या है मेटाप्लासिया,
कि अगर रीडिफरेंशिएशन के समय जो मीजेनकाइम सेल्स हैं, जो कौन सी प्रोसेस से बनी, डीडिफरेंशिएशन से बनी हुई है, और वो रीडिफरेंशिएट होकर कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए, डिफरेंट का मतलब कि बोन की सेल थी, अस्थि कोशिका थी, डीडिफरेंशिएट हुई, मीजेनकाइमल सेल में बदल गई, और रीडिफरेंशिएशन के बाद बोन सेल कार्टिलेज बना दे, यानी अस्थि कोशिका उपास्थि कोशिका में, यानी अपनी उत्पत्ति, यानी अपनी जो मूल कोशिका से वो विभेदित होकर कोई अन्य कोशिका बना दे, तो ऐसे रीडिफरेंशिएशन को मेटाप्लेसिया के नाम से जाना जाता है। तो मेटाप्लेसिया में रीडिफरेंशिएशन के बाद सेल अपनी मूल कोशिका में न बदलकर किसी अन्य संरचना में बदल जाती है। दूसरे प्रकार के रीडिफरेंशिएशन का नाम है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि जो कोशिका डिफरेंशिएशन के पहले जैसी थी अविभेदन से पहले, तो पुनर्विभेदन के बाद उसी संरचना का निर्माण करे, यानी अस्थि पुनर्विभेदन के बाद भी अस्थि का ही निर्माण करे, इसे मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि सेलामेंडर में जब रीजनरेशन की प्रोसेस होती है तो रीडिफरेंशिएशन की क्रिया मेटाप्लाजिया के द्वारा होती है। मतलब पुनर्विभेदन के बाद जो संरचनाएं बनी हैं वो प्रारंभ में अलग संरचनाएं थी, यानी अस्थि से पुनर्विभेदन के बाद उपास्थि का निर्माण सेलामेंडर में रीजनरेशन के समय होता है, तो वहां पुनर्विभेदन मेटाप्लाजिया क्रियाविधि के द्वारा होता है। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल इवेंट। तो रीजनरेशन के समय जो फिजियोलॉजिकल इवेंट हो रहे हैं वो दो प्रकार के हैं, कैटाबॉलिक इवेंट और एनाबॉलिक इवेंट। कैटाबॉलिक का मतलब है विघटन की क्रियाएं। तो जब डीडिफरेंशिएशन होता है, अविभेदन की क्रिया होती है, तो उस अविभेदन की क्रिया के समय, यानी जब ये वाले इवेंट हो रहे हैं, तब कैटाबॉलिक चेंजेस होते हैं सेल्स में। कैटाबॉलिक का मतलब कई पुराने प्रोटीन, और इन्हीं प्रोटीनों के कारण सेल डिफरेंशिएट थी, विशिष्ट थी। तो अविभेदन के समय कोशिका की ये विशिष्टताएं समाप्त हो जाती है, और वो तभी संभव है जब उस सेल्स में उपस्थित ऐसे प्रोटीन नष्ट हो जाए। कौन सी क्रिया के द्वारा? कैटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा। लेकिन जब पुनर्विभेदन होगा, रीडिफरेंशिएशन होगा, तो ये कोशिकाएं दोबारा विभेदित होगी, तो उस समय कुछ विशिष्ट प्रोटीनों का निर्माण, संश्लेषण होना चाहिए, और ये संश्लेषण एनाबॉलिक इवेंट के दौरान होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल इवेंट हमने डिस्कस किए, कैटाबॉलिक इवेंट डीडिफरेंशिएशन के समय होंगे, और एनाबॉलिक इवेंट रीडिफरेंशिएशन के समय होंगे। कल हम रीजनरेशन का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फोकस करेंगे कि रीजनरेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे
कि जब रीजनरेशन की प्रोसेस होती है तो ये जो ब्लास्टेमा बनती है, जिसे हमने पुनरुद्भवन कलिका कहा है, उसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, यानी जहां पुनरुद्भवन हो रहा है वहीं पर हो रही है, या ये स्ट्रक्चर कहीं और से बनकर वहां पर आ रही है। तो एक डिस्कशन ये रहेगा, और एक डिस्कशन हम करेंगे कि जो रीजनरेशन की प्रोसेस हाइड्रा में हो रही है, जो हमने कल डिस्कस किया था मॉर्फोलेक्सिस टाइप रीजनरेशन है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।